साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी कुछ नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी यह है कि जितने भी कैंडिडेट डिग्री पार्ट वन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए, तो उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के वेबसाइट या विश्वविद्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना में यह बताया गया था कि 20 जून तक जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। तो मेरिट लिस्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ है और वो कब तक जारी होने की संभावनाएं हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहली बात, आप लोग इस बात की जानकारी रखेंगे कि देखिए, जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो उसमें क्या हुआ था, जब प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ ना, तो बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका नाम ही नहीं आया, तो वो थोड़ा दिक्कत हो गया। और कैंडिडेट भी कमेंट कर पूछने लगे कि सर, हम लोग का तो नाम ही नहीं आया। तो भाई, उसी को सुधारा जा रहा है, ठीक है, उसी को सुधारा जा रहा है, जैसा कि सूचना आया है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको सुधारने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा, और उसके बाद जब फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगा, तब जो है प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो यूं समझिए कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है ना, वो 25 तारीख तक जारी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को वेट करना है 25 तारीख तक का, और अगर आगे टाइम बढ़ जाता है तो मैं आप लोगों को सूचना दूंगा ही, और क्योंकि टेक्निकल इशू होता है तो समय लग जाता है ठीक ठाक होने में। और क्योंकि लाखों कैंडिडेट, कितना 1,80,000 के लगभग कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं, तो उतनों को आवेदन में जो है दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का एडमिशन में दिक्कत ना हो, तो इससे संबंधित जो है वो पूरा डाटा तैयार किया जाता है। और चूंकि हेर फेर हो जाता है तो दिक्कत होता है खोजने में, इस कारण से आप लोगों को याद रखना है कि अगर 25 तारीख तक मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है, तो उसके बाद जो है एडमिशन के जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी, और आगे जो भी सूचना आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।